गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज 5 फरवरी 2022 बड़ा शनिवार, आज के दिन बसंत पंचमी का पावन पर्व है और इस बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की उत्कृष्ट आराधना हमें करनी है, जो हमारे जीवन में ज्ञान का संचार करता है। आज के दिन आपको केवल एक उपाय करना है जिससे आपके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा बरसेगी। बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी हर साल बसंत ऋतु यानी कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन माँ सरस्वती की श्रद्धा पूर्वक आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है और सदैव बनी रहती है। माँ सरस्वती की पूजा आराधना करने वाले व्यक्ति की वाणी में हमेशा मधुरता बनी रहती है। माँ सरस्वती की पूजा करने के साथ साथ यदि आप बसंत पंचमी के दिन अगर शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय कर लेते हैं तो माँ सरस्वती का आपको दुगना आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। बसंत पंचमी के इस पावन दिन पर आप कभी भी ज्ञान की आराधना न करें, ज्ञान की विराधना न करें, इसका विशेषकर ध्यान रखें। कभी भी आपको पेपर के ऊपर बैठना नहीं चाहिए, कभी भी किसी पेपर के ऊपर आपको भोजन नहीं करना चाहिए, इससे भी ज्ञान की विराधना होती है और हमें पापों का भागी बनना पड़ता है। आज के दिन हो सके तो ज्ञान के उपकरणों का आपको दान करना चाहिए, पेन का दान करें, कॉपी का दान करें, किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आपको दान करना चाहिए। और आज के दिन सबसे पहले आप स्नान आदि करने के बाद उठ करके हो सके तो आज नीम के पानी से आपको स्नान करना चाहिए और उसके बाद ईशान कोण में जहाँ पर भी आपका मंदिर है वहाँ पर एक पाट के ऊपर आपको पीला वस्त्र बिछाना है और माँ सरस्वती की प्रतिमा या फोटो को विराजमान करना है, माँ को चुनरी ओढ़ाना है, हो सके तो सफ़ेद वस्त्र माता को अर्पित करें। आज के दिन वैसे तो पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं, नैवेद्य भी आपको पीले या सफ़ेद चढ़ाना चाहिए, हो सके तो खीर का भोग लगाएं, हो सके तो केसर या खीर का भोग लगाएं, साथ ही साथ अगर कुछ ना हो सके तो आपको कम से कम गुड़ का भोग तो आज के दिन माँ को लगाना ही चाहिए और उनके सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ओम एम नमः या ओम सरस्वते नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, कम से कम 108 बार जाप करना है। और ध्यान रखें उपकरण जो है वो आप माता के सामने रखें, पेन या कॉपी आपको रखना चाहिए और उनकी भी आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती को हल्दी कुमकुम से तिलक करना चाहिए, थोड़े से चावल के छाटे करने चाहिए और आप जो भी उपकरण लाते हैं पेन या कॉपी उनके ऊपर भी हल्दी से आपको छींटे करना चाहिए, थोड़े से चावल से उन्हें बदाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही उत्कृष्ट है। आज के दिन आपको माँ सरस्वती के सामने एक रोटी रखनी है, ध्यान रखें बिना नमक की रोटी होनी चाहिए और उसके ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी रख देनी है। ध्यान रखें आपको पीसी हुई गीली हल्दी रखनी है, थोड़ी सी गीली हल्दी रखें और हल्दी रखते समय आपको माँ सरस्वती के बीज मंत्र ओम एम नमः का 108 बार आपको जाप करना है और वो हल्दी जो है वो उस रोटी के ऊपर आपको चुपड़ना है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो गुड़ है वो आप आपके हाथ में रखें और वापस से ओम एम नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ओम एम नमः बड़ा आसान मंत्र है, ध्यान रखिएगा 108 बार आपको जाप करना है और थोड़ा सा जो गुड़ है वो आपको रोटी के अंदर रखना है। अब आपको क्या करना है, ये जो रोटी है किसी भी गौ माता को आपको खिला देना है। ध्यान रखें रोटी खिलाने से पहले गौ माता को प्रणाम करें, 33 कोटि देवी देवता का साक्षात रूप मान करके ऐसी हमारी गौ माता को प्रणाम करना है, माँ सरस्वती को प्रणाम करना है। हो सके तो लाल गौ माता को या सफ़ेद गौ माता को आज के दिन ये चीज़ आपको खिलानी चाहिए। गौ माता को प्रणाम करें और जीवन में ज्ञान बढ़े, प्रभु की भक्ति के आगे जो भी आपके कर्म आ रहे हैं, जो पूर्व भव के कर्म होंगे उन्हें भी क्षय करने की आपको प्रार्थना करनी है ताकि आप प्रभु को नज़दीक से जान पाए, प्रभु के नामों का स्मरण कर पाए, मंत्रों का जाप कर पाए। अगर ज्ञान अल्प हुआ तो हमारे जीवन में कई समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है, इसीलिए पूर्ण रूप से ज्ञान का अर्जन हो, कहीं पर भी ज्ञान से जुड़ी कोई भी गलती हमारे जीवन में ना हो, इस प्रकार से शुद्ध भाव के साथ आपको प्रार्थना करनी है और ये एक रोटी आपको गौ माता को ज़रूर खिलानी है। गौ माता को रोटी खिलाने के बाद गौ माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और माँ सरस्वती का स्मरण करें और उसके बाद आपको घर पर आ जाना चाहिए। ध्यान रखें आज के दिन जो भी आपने भोग लगाया है
वो माँ सरस्वती का आशीर्वाद मान करके आपको ग्रहण करना चाहिए और आप अपने आप को धन्य माने कि माँ सरस्वती की कृपा आपको मिल पाई है, आप उनका पूजन कर पाए हैं, ऐसी दिव्य माँ का आशीर्वाद आपको मिले इस गुप्त नवरात्रि में, ऐसी शुभकामनाएं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।